हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, उसकी क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर आप देख लें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या अभी आपको आई बटन में मिल रहा होगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में जो मल्टीप्लेक्सिंग का टाइप है जो हमें पढ़ना है वो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ऑल दो मल्टीप्लेक्सिंग के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल यही तीन पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बताने से पहले मैं आपको क्विक रिकैप बताता हूं। मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते थे कि जो भी हमारा मल्टीपल सोर्सेस से जो अलग अलग जो सिग्नल आता था उसको कंबाइंड कर एक कंपोजिट सिग्नल बनाते थे, और ये कंबाइंड कर जो कंपोजिट सिग्नल बनाने का जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। और ये जो मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस जो हम लोग करते हैं वो किस डिवाइस की हेल्प से करते हैं या किस सर्किट की हेल्प से करते हैं, मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से करते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गया। तो अभी उसी मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस का एक टाइप है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास, तो देखिए बेसिक प्रोसेस वही रहेगा कि हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस से मल्टीपल्स क्या आएंगे, सिग्नल्स आएंगे, एंड हमें उनको कंबाइन कर एक कंपोजिट सिग्नल बनाकर अपने चैनल में भेजना है। ठीक है, लेकिन ये कंबाइन कर भेजना तो कंपोजिट सिग्नल तो बनाना है, लेकिन उसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस आएंगे जिसके बेसिस पर अलग अलग टाइप्स बने हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें जो कंबाइन कर जो हम अपने सिग्नल भेजते हैं, किसमें भेजते हैं, अपने मीडियम में भेजते हैं। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कुछ भी हो सकता है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं कि जो भी हमारा मीडियम है ना, उस मीडियम का एक फिक्स बैंडविड्थ होगा, उस हर मीडियम का एक बैंडविड्थ होता है। ठीक है, तो उस बैंडविड्थ को क्या करेंगे, एक अलग 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 रेंज में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए कि हमारे पास एक मीडियम है जिसका बैंडविड्थ कितना है, 1 से 19 तक बैंडविड्थ है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसके एक इसको एक पार्ट में डिवाइड किया जिसका बैंडविड्थ कितना है, 1 से लेके 5, 2 5 से लेके 7, मतलब दो बैंड का इसमें एक गैप रखा। फिर एक दूसरा एक डिवाइड डिवीजन किया इसमें 7 से लेकर 12 तक का, फिर 12 से लेकर 14 तक का एक गैप रखा दो बैंड का, और फिर दो यूनिट का, इसका यूनिट बोलोगे ना कि 1 से लेकर 19 यूनिट का इसका बैंडविड्थ है। उसके बाद अभी बैंडविड्थ का भी एक यूनिट होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने आपको बताया था कि बैंडविड्थ वाले चैप्टर में बैंडविड्थ का यूनिट क्या होता है। अभी इसमें क्या होता है, थर्ड हमने यूनिट बनाया 14 से लेकर 19 तक। तो तीन हमने क्या किया कि हमारा जो बैंडविड्थ था मीडियम का उसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा, तीन पार्ट में डिवाइड किया ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो तीन सिग्नल होंगे ना, तीन डिवाइसेस से, अलग अलग डिवाइसेस से जो सिग्नल आएंगे उनको एक बार में ट्रांसमिट कर सकते हैं। डिवाइस वन से जो सिग्नल आएगा वो डिवाइस वन में भेज देंगे, डिवाइस टू से जो सिग्नल आएगा उसको डिवाइस टू में भेज देंगे, और डिवाइस थ्री से जो सिग्नल आएगा उसको थर्ड पार्ट में भेज देंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम है, उसका जो बैंडविड्थ है उसको अलग 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 पार्ट में कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज में डिवाइड कर देते हैं, एंड हर एक फ्रीक्वेंसी रेंज का, हर एक बैंडविड्थ का जो हम लोग डिवीजन किए हैं उस हर एक पार्ट में अलग अलग डिवाइस के सिग्नल को भेजते हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि एक बार में हम लोग मल्टीपल डिवाइस के सिग्नल को भेज देंगे अपने ट्रांसमिशन मीडियम चैनल से। और यही तो बेसिक प्रोसेस था मल्टीप्लेक्सिंग का कि मल्टीपल सोर्सेस के सिग्नल को एक बार में ट्रांसमिशन मीडियम में भेजने का। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास अवेलेबल बैंडविड्थ होगा ना हमारे मीडियम का, उसको सब डिवाइड कर देंगे इनटू सेवरल चैनल, और हर एक चैनल को क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइस के अलग अलग सोर्सेस से जो हमारे सिग्नल आ रहे हैं उनको एलोकेट कर देंगे। अभी एक बात सुनिए कि हमारे पास जो क्या आएगा, जो सिग्नल आएगा वो तो जरूरी नहीं है कि उसका बैंडविड्थ 1 से लेकर 5 तक ही हो, उसका तो बैंडविड्थ कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस से पहले मैंने आपको बताया था कि कौन सा प्रोसेस करते हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस करते हैं ना। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइस वन से जो सिग्नल आ रहा है ना उसको मॉड्यूलेट कर उसके फ्रीक्वेंसी का रेंज हम लोग फिक्स करेंगे कि उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज किस में रहे, 1 से लेकर 5 के बीच में ही रहे। ठीक है, जो डिवाइस टू से जो सिग्नल आ रहा है फिर उसको भी मॉड्यूलेशन प्रोसेस करेंगे, एंड उसका भी जो सिग्नल आ रहा होगा फिर उसका भी बैंडविड्थ हम लोग चेंज करके क्या कर देंगे, 7 से लेकर 12 के बीच में कर देंगे, और डिवाइस थ्री से भी जो सिग्नल आ रहा होगा फिर उसको भी मॉड्यूलेशन प्रोसेस करके उसका भी बैंडविड्थ हम लोग क्या करेंगे, 14 से लेकर 15 तक का बैंडविड्थ उसको फिक्स कर देंगे, ताकि वो हमारे चैनल का जो हमने डिवीजन किया उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेवल कर सके। तो देखिए सेम चीज मैंने यहाँ पर वर्ड में भी लिख रखा ताकि आप अपने एग्जाम में लिख सको। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं कि सब डिवाइड करते हैं अपने चैनल को डिफरेंट
फ्रीक्वेंसी चैनल फ्रीक्वेंसी के बेस पे, और हर एक फ्रीक्वेंसी चैनल को क्या करते हैं अलग अलग डिवाइस के साथ एलोकेट कर देते हैं। जैसे डिवाइस वन को हमने क्या फ्रीक्वेंसी रेंज दिया, एक से लेके पांच तक, एक से लेके पांच तक हमने डिवाइस वन को एलोकेट किया, सेवन से लेकर ट्वेल्व तक डिवाइस टू को एलोकेट किया, और फोर्टीन से लेकर नाइनटीन तक डिवाइस थ्री को एलोकेट किया है। अब इनपुट सिग्नल को क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसलेट करेंगे इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड, किस प्रोसेस के हेल्प से, मॉड्यूलेशन टेक्निक की हेल्प से, और फिर उस मॉड्यूलेशन टेक्निक की हेल्प से जो हमने अलग अलग सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज जो एलोकेट कर दिया, फिर वो जो मॉड्यूलेट होने के बाद जो सिग्नल बना, फिर उसको क्या करेंगे मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से उसको कंबाइन करके कंपोजिट सिग्नल बनाएंगे, और फिर उसको क्या करेंगे अपने चैनल में ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, यूजिंग द मॉड्यूलेशन टेक्निक इनपुट सिग्नल आर ट्रांसमिटेड टू फ्रीक्वेंसी बैंड एंड देन कंबाइन टू फॉर्म ए कंपोजिट सिग्नल। अभी क्या होता है कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस में आपको पता है कि क्या करते हैं, एक कैरियर सिग्नल का हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है, और उस कैरियर सिग्नल को हम लोग अपने इन्फॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग उसको वैरी कराते हैं, उसके प्रॉपर्टीज को वैरी कराते हैं। तो हर एक जो भी हमारा इनपुट सिग्नल होगा, जो भी हमारे डिवाइसेस से जो सिग्नल आ रहे हैं, हर एक के लिए हमें मॉड्यूलेशन करना होगा, तो हर एक के लिए कैरियर सिग्नल चाहिए, तो हर एक के लिए जो कैरियर सिग्नल होगा उसको क्या बोलेंगे, सब कैरियर सिग्नल बोलेंगे। हर एक सोर्स के लिए जो सिग्नल चाहिए ना कैरियर सिग्नल, उसको सब सिग्नल बोलेंगे, उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, F1, F2 और FN से। तो देखिए इसके लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ से, आप डायग्राम से और इजीली समझ सकते हैं कि हमारे पास लेट सपोज कि एन नंबर ऑफ सोर्सेस हैं, सोर्सेस वन से हमारा सिग्नल आ रहा है, सोर्सेस टू से आ रहा है, सोर्सेस थ्री फोर फाइव, ऐसे एन नंबर ऑफ हमारे पास सोर्सेस हैं जिससे हमारे पास अलग अलग सिग्नल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हर एक सोर्स के सिग्नल को क्या करेंगे, पहले मॉड्यूलेशन करेंगे। मॉड्यूलेशन किस हिसाब से करेंगे, इसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज कर एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज, एक फिक्स रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में उसको फिक्स करेंगे, उसको मॉड्यूलेट करेंगे, और वो किसके हिसाब से करेंगे, जिस हिसाब से हमने हमने हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम है ना उसके चैनल को किस हिसाब से हमने डिवाइड किया, किस किस फ्रीक्वेंसी रेंज में हमने डिवाइड किया था, उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में हम लोग क्या करेंगे अपने जो सोर्स का जो सिग्नल है उसको मॉड्यूलेट कर फिक्स करेंगे। ठीक है, उसके फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया हर एक को, एंड हर एक सोर्स के फ्रीक्वेंसी, हर एक सोर्स के सिग्नल को मॉड्यूलेट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, मॉड्यूलेटर चाहिए, क्योंकि मॉड्यूलेशन प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, कौन सा सर्किट यूज होता है, मॉड्यूलेटर। तो हर एक सोर्स के सिग्नल को मॉड्यूलेशन करने के लिए हर एक के लिए अलग अलग मॉड्यूलेटर चाहिए, एंड हर एक के लिए अलग अलग क्या चाहिए, कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर सिग्नल चाहिए, जिसको F1 और F2 से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल जिसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज है, और वो किस अकॉर्डिंग है, हमारे ट्रांसमिशन मीडियम के जो हमने डिवीजन किया उसके अकॉर्डिंग है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लेक्सर सिंबल है, ये मल्टीप्लेक्सर का सिंबल है, यहाँ से हमने क्या किया मल्टीप्लेक्सिंग किया, और उसको एक कंपोजिट सिग्नल बनाकर अपने बैंडविड्थ में हमारा जो बैंडविड्थ है, जो भी हमारा चैनल है, उसमें हमने क्या किया उसको ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है, समझाए, मल्टीप्लेक्सिंग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या करते हैं, पहले तो हम लोग क्या करते हैं अपने चैनल का जो भी बैंडविड्थ है उसको कुछ फिक्स बैंड में, अलग अलग बैंड में उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद जो भी हमारा सोर्स से हमारे अलग अलग जो सिग्नल आ रहे हैं सबको मॉड्यूलेशन प्रोसेस करके मॉड्यूलेटर सर्किट की हेल्प से उसको मॉड्यूलेट करते हैं, एंड उसका भी जो मॉड्यूलेट करने के बाद जो मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल बनता है उसका भी फ्रीक्वेंसी रेंज किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, हमने जो अपने चैनल को जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में जो डिवाइड किया है ना उसके अकॉर्डिंग सबका फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और फिर यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सर सर्किट को, जो क्या करेगा अलग अलग जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ रहा है उसको कंबाइन कर एक कंपोजिट सिग्नल बना देगा, और फिर वो कंपोजिट सिग्नल किस में जाएगा, हमारे चैनल में। ठीक है, और फिर वो रिसीव होगा कहाँ पे, पहुंचेगा रिसीवर साइड में, फिर वहां पर डीमल्टीप्लेक्सिंग का प्रोसेस होगा, जो मैंने आपको मल्टीप्लेक्सिंग वाले वीडियो में बताया था। अभी इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि ये एनालॉग सिग्नल के लिए यूज होता है, और ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल और इजी है। ऊपर से इसका एक और मतलब एडवांटेज है कि हम लोग लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल को एक साथ में मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं, एक साथ में भेज सकते हैं, अगर हमारे चैनल का कैपेसिटी क्या है, लार्ज है। ठीक है, और इसमें कोई भी सिंक्रोनाइजेशन का दिक्कत नहीं होता। सिंक्रोनाइजेशन का दिक्कत इसलिए नहीं होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल सिग्नल को कंबाइन कर एक कंपोजिट सिग्नल बनाकर भेज रहे हैं, तो सारा का सारा सिग्नल जो भी कंपोजिट सिग्नल हो वो एक ही बार पहुंचेगा रिसीवर साइड में। और ये सिंक्रोनाइजेशन का दिक्कत आपको आएगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जब हम करेंगे ना उसमें दिक्कत आता है। उसमें क्या आता है कि अलग अलग सोर्सेस से आपका जो सिग्नल आ रहा है ना वो अलग अलग टाइम स्लॉट में आप भेजते हो। ठीक है, आप हर एक सोर्स के लिए कुछ कुछ टाइम स्लॉट फिक्स कर देते हो कि इतने से इतने टाइम के लिए ये वाला सोर्स से डेटा जाएगा, इतने से इतने टाइम के लिए ये वाला सोर्स से डेटा जाएगा, और होता क्या है कि रिसीवर एंड में जिस टाइम पे आपको ये सेंडर भेज रहा है उस टाइम पे वो रिसीवर का इस सोर्स से डेटा उसको नहीं मिल पाता है, तो इसमें दिक्कत आती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में सिंक्रोनाइजेशन का। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में सिंक्रोनाइजेशन का कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक ही बार में सारे सोर्स का डेटा एक बार में पहुंचता है रिसीवर के पास।
अभी इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि हमें लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूलेटर चाहिए। ऑब्वियस बात है कि अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस हैं तो हर एक सोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, मॉड्यूलेटर चाहिए। और अगर हम लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूलेटर यूज कर रहे हैं तो हमें बैंडविड्थ भी हमारे चैनल का क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ क्या है सोर्सेस हैं, तो हर एक सोर्स का अलग अलग चैनल से अलग अलग सिग्नल आएगा, तो उसके लिए हमें बैंडविड्थ भी ज्यादा चाहिए। अभी इसमें क्रॉसटॉक भी पॉसिबल है, ऑल्दो हम लोग क्या करते हैं कि बैंड जो हम लोग एलोकेट करते हैं चैनल में उसमें कुछ कुछ गैप मेंटेन करते हैं, ठीक है, लेकिन तब भी हमारे क्रॉसटॉक इसमें पॉसिबल है। और इसका जो यूज होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज ओनली व्हेन लो स्पीड चैनल आर रिक्वायर्ड, ठीक है। जब भी हमारे चैनल का जो स्पीड होगा, ट्रांसमिशन स्पीड होगा, अगर वो लो है तब हम लोग यूज करते हैं किसको, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। अब इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, टीवी नेटवर्क जो हमारे घर पे जो टीवी का जो केबल आता है उसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हर एक चैनल का क्या होगा, अपना अपना सिग्नल आएगा। लेट सपोज आपका चार पांच चैनल है, हर एक चैनल का अपना अपना एक सिग्नल आ रहा है, और हर एक सिग्नल को हम लोग क्या किए, मॉड्यूलेशन प्रोसेस कर एक फिक्स बैंड एलोकेट कर दिए, एंड उस किसके अकॉर्डिंग एलोकेट किया, अपने जो हमने चैनल को जो डिवाइड कर रखा है ना, ये हमारा चैनल है, उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड एलोकेट कर दिया, और एक हर एक चैनल के सिग्नल को मॉड्यूलेशन करने के बाद एक को भेजा, इसमें हमारे चैनल में ट्रेवल कर हमारे रिसीवर एंड में आ जाएगा। तो एक ही हमारा ये क्या है, ये हमारा केबल है जो हम लोग टीवी में यूज करते हैं, और एक ही केबल में हमारा क्या आ रहा है, अलग अलग चैनल का, नेटवर्क का, अलग अलग सिग्नल का, एक ही बार में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की हेल्प से एक ही सिग्नल हमारे पास आ रहा है। अभी FM जो हम लोग यूज करते हैं, रेडियो FM, उसमें या AM में जो ब्रॉडकास्टिंग जो यूज किया जाता है उसमें भी हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का क्या होल प्रोसेस है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पे नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेब डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एंड साथ ही साथ मैं आपको डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट प्लेलिस्ट अपलोड करने वाला हूँ, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस एक ही चैनल पर आप अपना कवर कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।